हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अंजलि, अंजलि जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल, और इसमें कुछ दाल भी मिलाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है पालक वाली दाल। ये मैंने 250 ग्राम पालक ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से धो के काट लिया है बारीक। पानी मैंने 4 गिलास कुकर में ऐड किया है। ये मैंने दाल लिया है, बिना छिलके वाली, मूंग का है, चने का है, मसूर का है और उड़द दाल है। दो दो चम्मच मैंने ले लिया है और अच्छे तरीके से धो लिया है इसको। अब डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर, कुकर का ढक्कन लगाकर हम 5 सीटी लगाएंगे। तो दाल हमारा बन गया है। अब इसे निकाल कर आपको दिखाते हैं कैसा बना है दाल हमारा। तो दाल हमारा ठंडा हो गया है, इसको खोल के देखते हैं। बहुत ही अच्छा दाल बना है हमारा। इसमें लगाएंगे हम तड़का। हमने लिया है कलछा और कलछे को आग पर रख दिया है, चूल्हे से आग बाहर निकाल के उसी पे कलछा को रख दिया है। कलछा हमारा गर्म हो रहा है। कलछा हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे तेल। हींग, जीरा, थोड़ा सिकने देते हैं इसको। अब डालेंगे इसमें लहसुन और मिर्ची। हींग और जीरा सब फ्राई हो चुका है, इसको हम साफ कर लेंगे नीचे से ऐसे, ताकि हमारा राख न रहे इसमें कलछल में। दाल हमारा तैयार हो गया है पालक वाली। तो ये देखिए हमारी पालक वाली दाल बन गई है, बिल्कुल टेस्टी बना है दाल हमारा। आप एक बार जरूर बना के खाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। पालक वाली दाल की रेसिपी आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा बनाए कि नहीं आप भी अपने घर।